बहनों, हम आज मिलकर सीखेंगे दो अक्षर फ और छोटी ई। याद है ये प अक्षर है ना? इस पर ये आधी मुड़ी हुई लकीर खींच दी तो ये बन गया अक्षर फ। नमस्ते बहनो, मालूम है आज क्या हुआ? आज मेरा दिल बहुत उदास था, फिर मेरी एक सहेली ने कहा कि नहीं, उदास कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, और मैं खुश हो गई। बहनो, तुम भी हमेशा खुश रहा करो, हंसती रहा करो, हाँ? तो चलो, आज जो अक्षर मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ना, वो एक बहुत ही सुंदर सा अक्षर है, वो है फ अक्षर। तो लिखे चलो। ये लकीर, घूमी हुई लकीर, फिर खड़ा डंडा, और फिर वैसे ही एक और घूमी हुई लकीर। ऊपर क्या था बोलो? अब तो बताने की जरूरत नहीं, वही छत वाली लकीर। ये बन गया अक्षर फ। एक बार फिर देखो। देखो तो ये क्या है? हाँ, ल, फल। फल हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, पर ये खाली फलों की तस्वीर है। फ, ल, फल। फूल घर आंगन की सुंदरता बढ़ाते हैं। फ, बड़ों की मात्रा। ल, फूल। ये आधे पूरे खिले फूल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। फ, बड़े ऊ की मात्रा। ल, फूल। ये लहलहाती हुई फसल कितनी अच्छी लग रही है। फ, स, ल, फसल। पर किसान तो अपनी ये हरी भरी फसल देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से उसने अपनी ये फसल तैयार की है। फसल ले जा। ए गौरी, इधर आ बेटा, आ बैठ, आजा आजा। गौरी, तुझे पता आज कौन आ रहा है? प्रेम भैया, मुझे सब पता रहता है। अरे तू तो बड़ी होशियार है, अखबार भी पढ़े तू। तुम भी पढ़ने लग गई जल्दी। अरे मैं तो अभी पढ़ने लगी हूँ, देख बता कहाँ गया। पा, पानी। पी, ना, पीना। अरे मासी, तू तो सच्ची पढ़ने लगी है। अरे लाडो, ये सब तेरे ही कारण है, पर देख किसी से कहियो मत। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बता, जब प्रेम भैया आ जाएगा तो तुझे कौन ज्यादा अच्छा लगेगा, मौसी या प्रेम भैया? मौसी या प्रेम भैया, ये जब बताऊंगी जब प्रेम भैया आएंगे। अरे वाह, तू तो बड़ी सियानी हो गई। ले ये खा गोली। अरे मौसी, तुम ये तो कहती हो इससे खाने से दांत खराब हो जाए। अरे बेटी, आज तेरा प्रेम भैया आ रहा है, इसको उसी में खा ले।
बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम दुकान खोलोगी जब प्रेम भैया आएंगे? हाँ खोलूंगी। क्यों? तब तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अरे बेटा पैसे की तो मुझे अब भी कमी ना है, पर तू सोच अगर गांव में लोगों को सब्जी की कमी हो जाए, आटा ना मिले, हल्दी मिर्ची ना मिले, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो जल्दी बंद कर दूंगी बस। अब मैं चलें। जा। बात बताऊं मासी? हाँ बोल। तुम बहुत अच्छी हो। ये बड़ी ई तो तुम लोग पहचानती होंगी, बस इस पे से ये मात्रा हटा ली तो बन गई छोटी ई। अरे रे 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 रे, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे फिर आना था। कोई बात नहीं, मैं तो वक्त पर आ ही गई। अच्छा बताओ, अब तक जो सीखा है वो तुमको याद है ना? सब समझ में आ गया है ना? मेरे ख्याल में तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता होगा। अच्छा बहनों, अब जो हम सीखेंगे वो है अक्षर ई, छोटी ई। हाँ? तो लिखे, ये छोटा सा खड़ा डंडा, इससे मिलाकर ये सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी लकीर। और फिर क्या है? वही बिंदी, और ये दुम वाली लकीर ऐसी। ऊपर क्या बोलो? वही छत वाली लकीर। ये हो गई छोटी ई। एक बार फिर देखो। देखा कितना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब तो तुम जल्दी से पढ़ना लिखना सीख गई हो। अभी तो और भी सीखना है, घबराना नहीं, मैं रोज सिखाऊंगी तुम्हें। मैं चलूं? नमस्ते। भाई रेल चलती हुई तो तुम सबने देखी होगी, पर मालूम है इतनी बड़ी रेलगाड़ी को कौन खींच कर ले जाता है? हाँ ये है इंजन, छोटी ई, इस पर बिंदी, ज, न, इंजन। ई, म, ल, बड़ी की मात्रा, इमली। आ गया ना नाम सुन के मुंह में पानी। खाने में खट्टी मगर फिर भी मजेदार लगती है, इमली। खेतों की हरी भरी काया, देखो ये हरे भरे खेतों की हरी भरी काया। किसान है इसको, किसान है इसको जी जान से सजाया। देखो ये हरे भरे खेतों की हरी भरी काया। कर भूखा प्यासा जलती धूप में हल चलाया, हल चलाया, खेतों में बीज लगाया, पानी से इसको सिंचाया। और अब
देखो इन खेतों की काया, जैसा बोया वैसा किसान ने पाया। बिंदु ज ना इंजन, छोटी ई मा ल बड़े की मात्रा इमली, छोटी ई ल आ का डंडा ज इलाज, ह ल फल, फ बड़े ऊ की मात्रा ल फूल, स ला फसल। बहनों, हमें आज दोहराना है इस हफ्ते के सीखे हुए सारे अक्षर और मात्राएं। छ बड़े ऊ की मात्रा झ, ओ, थ छोटे ऊ की मात्रा फ, ई। एक बार फिर देखें, छ बड़े ऊ की मात्रा झ, ओ, थ छोटे ऊ की मात्रा फ, ई। उफो, छिपकली यहाँ भी। घर में दीवारों पर घूमती हुई छिपकली देखी है ना? अब अगर इस छिपकली की दुम को यूं मोड़ दें, तो लगती है ना बिल्कुल अक्षर छ जैसी। एक बार फिर से देखें, छिपकली की दुम मुड़ी हुई, बिल्कुल अक्षर छ जैसी। छ से ही तो शुरू होता है शब्द छिपकली। छ ये है आदमी जो सीटी बजा रहा है। अब जरा इसे गौर से देखो। अरे, ये सीटी तो बिल्कुल बड़े ऊ की मात्रा जैसी लगती है। बड़े ऊ की मात्रा। झंडे की तरह लहराता ये अक्षर है झ। झ जिससे झंडा शब्द बनता है। आइए अक्षर झ कैसे बनता है
देखे बड़ी ईद तुम्हें याद ही होगी, वही ईख वाली, ये है बड़ी ईद। इसका ऊपर वाला चांद उठाकर यहाँ रखा और इसे मिला दिया झंडे वाले डंडे से। बन गया अक्षर छ। ये तो याद है ना, अदरक जैसा दिखने वाला अक्षर अ। अब इस अक्षर अ के साथ अगर ओ की मात्रा लगा दी तो बन गया अक्षर ओ। झूला झूलना, छूत छात, बुरी बात। देखो झगड़ा जो है छूत छात की वजह से नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं करोगे ना झगड़ा, समझ में आ गया? चलो अब छुट्टी तुम्हारी। हाँ अब कल आना सारा कुछ याद करके, पढ़ोगे ना? जाओ। सुधा तुम तो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा लेती हो। कहाँ बहन जी, आप ऐसे मेरा दिल रखने को कह रही हो? अरे नहीं मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें अवसर मिले तो तुम बहुत अच्छी टीचर बन सकती हो। भला मुझे अवसर कौन देगा? तुम पढ़ाना चाहती हो? हाँ बहन जी मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो पढ़ा लेना। तो आप मुझे इस स्कूल में रख लोगी? इस स्कूल में? हाँ क्यों? मैं इस गांव से नहीं जाना चाहती। बेटी को पराया धन कहते हैं, क्यों जानती हो ना? मैं स्कूल में कैसे रख सकती हूँ तुम्हें? बस इतना आशीर्वाद दे सकती हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ सुखी रहो, और अगर तुम्हारे गांव में स्कूल ना भी हो तो लोगों को अपने घर पे बुला के पढ़ा लेना। मैं आपकी बातें याद रखूंगी। तो ये उदासी छोड़ो और मुस्कुरा दो जरा सा। अरे हाँ चलना नहीं है, आज प्रेम आ रहा है ना, पूरा गांव सड़क के किनारे खड़ा होगा, बस हम दोनों ही रह जाएंगे। चलो चले। आप चलो मैं सब समेट कराती हूँ। अच्छा जल्दी आना। हाँ ये टमाटर वाला ट याद है ना? अरे ये ठक ठक किसकी आवाज है? ये हथौड़ा क्या कर रहा है? ठक 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 ठक। अरे इसने तो बना दिया अक्षर ठ। बड़ी ई तो तुम लोग पहचानती होंगी, बस इस पे से ये मात्रा हटा ली तो बन गई छोटी ई।
याद है ये प अक्षर है ना, इस पर ये आधी मुड़ी हुई लकीर खींच दी तो ये बन गया अक्षर ह। कमला की शादी हो गई। अच्छा ड बड़े की मात्रा छड़ी छ का र बड़े की मात्रा छतरी ग मा छ आ गमछा म आदा चा छ रा मच्छर च बड़ों की मात्रा ह आ का डंडा चूहा ज बड़ों की मात्रा त आ का डंडा जूता आ ल बड़ों की मात्रा आलू छोटा उ आधा ला ल बड़ों की मात्रा उल्लू ओ सा ओस ता ओट ओ का ओप ओ खा ल बड़े की मात्रा ओखली झ बिंदु ड आ का डंडा झंडा झ बड़ों की मात्रा ल आ का डंडा झूला झ आ का डंडा ड बड़ों की मात्रा झाड़ू प छोटे उ की मात्रा ला पुल द छोटे उ की मात्रा ख दुख सा छोटे उ की मात्रा ख सुख ब छोटे उ की मात्रा ख आ का डंडा र बुखार ठ ग ठग ठ आधा पा प आ का डंडा ठप्पा अ बिंदु ग बड़ों की मात्रा ठ बड़े की मात्रा अंगूठी छोटी ई बिंदु ज ना इंजन छोटी ई मा ल बड़े की मात्रा इमली छोटी ई ला आ का डंडा जा इलाज
ला फल, फल। फा बड़े ऊ की मात्रा ला फूल फा स ला फसल चेरा